नमस्कार, मैं मोटाराम सोम सह आचार्य भूगोल राजकीय महाविद्यालय लुणी। आज का मेरा व्याख्यान है सामान्य भूगोल पर। यह व्याख्यान भूगोल के विद्यार्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ यह व्याख्यान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस व्याख्यान के भाग फर्स्ट में इसको मैं दो तीन पार्ट में पढ़ाऊंगा, तो आज हमारा भाग फर्स्ट है। भाग फर्स्ट में हम पृथ्वी की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पृथ्वी की सामान्य जानकारी में हम पढ़ते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है इसका क्षेत्रफल कितना है। पृथ्वी का क्षेत्रफल है 51.01 करोड़ वर्ग किलोमीटर। पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल 51.01 करोड़ वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के बाद हम बात करते हैं पृथ्वी के व्यास की। जिस प्रकार से एक वृत्त का व्यास होता है उसी प्रकार पृथ्वी का भी व्यास होता है। तो पृथ्वी का व्यास दो प्रकार का होता है। एक ध्रुवीय व्यास और दूसरा भूमध्य रेखीय व्यास। भूमध्य रेखा में अगर हम एक तरफ से छेद करें और दूसरी तरफ से निकले तो यह पूरा पृथ्वी का व्यास कहलाता है। तो पहले मैं भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय व्यास की बात करूंगा। तो पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। इसी प्रकार पृथ्वी की विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय त्रिज्या व्यास की त्रिज्या आधी होती है, 6,377 किलोमीटर। यदि व्यास की आधी त्रिज्या दो का भाग लगाएं तो 6,377 किलोमीटर, यानी आप उत्तरी ध्रुव सॉरी पृथ्वी के एक व्यास से पृथ्वी के केंद्र तक की ये दूरी आपकी। तो इसी प्रकार ध्रुवीय व्यास की हम बात करें, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली केंद्र से होते हुए सीधी रेखा, तो यह होता है 12,713 किलोमीटर। इसी प्रकार ध्रुवीय त्रिज्या, अगर इसमें आप दो का भाग लगाएं तो आपके पास त्रिज्या आ जाएगी, तो ध्रुवीय त्रिज्या है 6,356.5 किलोमीटर। अब ये पृथ्वी परीक्षा में एक सवाल आता है कि पृथ्वी की विषुवत रेखीय त्रिज्या और भूमध्य रेखीय त्रिज्या में अंतर कितना है, या विषुवत रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में अंतर कितना है, आप इसमें से इनको मिटाएं। तो अगर आप व्यास की बात करोगे दोनों में अंतर, मैं अंतर की बात कर रहा हूं, भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में अंतर, अंतर की बात कर रहा हूं, तो आप अंतर 43 किलोमीटर। और यही अंतर अगर आप त्रिज्या का निकालोगे तो पृथ्वी की विषुवत रेखीय त्रिज्या और ध्रुवीय त्रिज्या में अंतर 21.5 किलोमीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटे से पृथ्वी परीक्षा से लेकर आरएस तक में ये प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी की विषुवत रेखीय त्रिज्या और ध्रुवीय त्रिज्या में कितना अंतर है, तो अंतर है आपका 21.5 किलोमीटर। आप दोनों त्रिज्या को घटा दें तो आपके पास अंतर आ जाएगा।
अब इसके बाद हम लेते हैं पृथ्वी की परिधि। तो जिस प्रकार दो प्रकार का व्यास है उसी प्रकार पृथ्वी की परिधि भी दो प्रकार की होती है। पहली विषुवत रेखीय परिधि। पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि है 40,075 किलोमीटर, यानी विषुवत रेखा पर एक स्थान से शुरू होकर पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए आप वापस उसी बिंदु पर आते हैं तो आपको 40,075 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। इसी प्रकार पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि, यह है 40,008 किलोमीटर। जैसे त्रिज्या में अंतर बताया था उसी प्रकार से पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि और पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि में अंतर कितना होता है। अगर ये कॉम्पिटिशन में सवाल आता है तो 67 किलोमीटर या 67 किलोमीटर का अंतर है पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि और पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि में अंतर। तो ये हुआ पृथ्वी के बारे में सामान्य जानकारी कि पृथ्वी का व्यास कितना है, उसकी त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की परिधि कितनी है। इसके बाद हम लेते हैं अक्षांश और देशांतर। पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति को ज्ञात करने के लिए हमने कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाई है, तो ग्लोब पर या मानचित्र पर हम इन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं और इनके बने हुए जाल को ग्रिड कहते हैं। तो इस पर सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश की। तो पृथ्वी के मानचित्र पर जो क्षैतिज रेखाएं खींची होती है, यानी जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची होती है उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये अक्षांश रेखाएं संख्या में कुल 181 होती है, उसमें 180 देशांतर और एक विषुवत रेखा। अगर विषुवत रेखा को शामिल करते हैं तो कुल अक्षांश 181 होते हैं, नहीं तो सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि 180 अक्षांश होते हैं। इन अक्षांशों में सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश आपकी विषुवत रेखा है। तो 0° अक्षांश, इसको हमने नाम दिया है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। नाम से स्पष्ट है भूमध्य यानी पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखा। अगर मानचित्र में बात करें तो पृथ्वी के बीचों बीच पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को हम भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं। ये 0° अक्षांश रेखा विषुवत रेखा होती है और इसकी लंबाई अभी मैंने आपको बताया था 40,075 किलोमीटर होती है। यह है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश है जिनकी जानकारी आपको होना अति आवश्यक है। तो मैं जैसा कि इस डायग्राम में बता पा रहा हूं आपको कुछ मुख्य अक्षांश जिनकी जानकारी आपको होना आवश्यक है। डायग्राम में देख पा रहे हैं कि मैंने दो रेखाएं डॉट में खींची है, 23.5° उत्तरी अक्षांश रेखा और 23.5° दक्षिणी अक्षांश रेखा। इनके क्या नाम है? तो जो 23.5° उत्तर अक्षांश रेखा है नॉर्थ, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के बीचों बीच यानी भारत को दो बराबर भागों में उत्तर और दक्षिण में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। इसके साथ दूसरी
जो महत्वपूर्ण रेखा है आपकी 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा, इसको हम कहते हैं मकर रेखा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मकर रेखा जैसे कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है उत्तर दक्षिण, इसी प्रकार से मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को दो बराबर भागों में उत्तर और दक्षिण में विभाजित करती है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण अक्षांश है वो है 90 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश। तो जो 90 डिग्री उत्तर अक्षांश है इसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और इसी प्रकार से जो 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश आप देख रहे हैं मैंने बनाया है इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो 90 डिग्री उत्तर अक्षांश को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश को हम दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो ये पांच प्रकार के अक्षांश मुख्य रूप से आपको याद रखने हैं। उसके अलावा भी 67.5 डिग्री उत्तर अक्षांश है, 67.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, इनको उप ध्रुवीय अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो अक्षांश के बाद अब हम लेते हैं देशांतर रेखाएं। अक्षांश की तरह ही देशांतर रेखाएं अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अक्षांशों के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो छूट रही है मैं आपको बता दूं कि अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर वृत्ताकार रूप में बनी हुई होती है और भूमध्य रेखा से जो ध्रुवों की ओर जाती है इनकी लंबाई कम होती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। यानी विषुवत रेखा की लंबाई 40,075 किलोमीटर है जो ध्रुवों तक जाते जाते उत्तरी ध्रुव की लंबाई शून्य हो जाती है, इन्हें बिंदु के रूप में होता है। इसी प्रकार दक्षिण की स्थिति है, दो अक्षांशों के बीच की दूरियां फिक्स है, यानी 0 डिग्री से 1 डिग्री, 1 डिग्री से 2 डिग्री और 89 से 90 डिग्री तक दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अब हम लेते हैं देशांतर। देशांतर की बात करें तो कुल देशांतर जो हमने बांटे हैं ग्लोब को वो 360 देशांतरों में हमने विभाजित किया है, क्योंकि एक वृत्त में कुल कोणों का योग 360 होता है, इसलिए हमने 360 देशांतर बनाए हैं। और पृथ्वी पर समय का निर्धारण देशांतरों से किया जाता है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो 0 डिग्री प्रधान देशांतर से किसी स्थान की कोणीय दूरी को उसका देशांतर कहते हैं, अर्थात जो ग्रीनविच रेखा है किसी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। मानचित्र में हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर ये रेखाएं खींची जाती है, और ग्लोब पर हम बात करें तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाते हुए जो रेखाएं खींची जाती है उन्हें हम देशांतर कहते हैं, और इनकी कुल संख्या 360 होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण देशांतर है आपका 0 डिग्री देशांतर, इसको हम प्रधान याम्योतर या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। जैसा मैंने बताया आपको भी कि समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं से किया जाता है, तो यह ग्रीनविच इसका मैं दूसरे व्याख्यान में आपको पूरा समझाऊंगा कि समय का निर्धारण पृथ्वी पर किस प्रकार से किया जाता है। अभी आपको सिर्फ समझा कि ग्रीनविच रेखा क्या होती है। तो ग्रीनविच रेखा लंदन में ग्रीनविच वेधशाला से होते हुए निकाली गई है और इसको 0 डिग्री देशांतर नाम दिया गया है। ग्रीनविच रेखा, इसके साथ अब अंत में बचता है आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। प्राचीन समय में जब पालदार जहाज चलते थे तो उनको एक स्थान से दूसरे देश या महाद्वीपों को महासागरों को पार करने में कई महीने लगते थे। उस समय तिथियों के भ्रम से बचने के लिए
अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया। तो 180 डिग्री जो देशांतर है, 180 डिग्री देशांतर के साथ साथ स्थल भागों को छोड़ते हुए हमने यह रेखा खींची है जिसको नाम दिया है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, तिथि रेखा अर्थात तिथियों के भ्रम से बचने के लिए इस रेखा को बनाया गया था या कल्पना की गई थी। जब जहाज पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं तो इस रेखा को पार करने पर वो एक दिन बढ़ा देते हैं। जैसे सोमवार है तो अगला दिन होगा बुधवार। इसी प्रकार जहाज पूर्व की ओर यात्रा करते हैं तो वो एक दिन घटा देते हैं, अर्थात इस तिथि रेखा को पार करते हैं तो उनका अगला दिन सोमवार है, तो अगला दिन भी होता है सोमवार। तो वर्तमान समय में तो क्योंकि ग्लोब का ग्लोबलाइजेशन हो गया है, हम लोग इतने निकट आ गए हैं कि इस रेखा का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। फिर भी प्राचीन समय में तिथियों के भ्रम से बचने के लिए रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती थी। तो आज हमने हमारे इस व्याख्यान के भाग एक में पृथ्वी की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ा है।